दोस्तों कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि यदि आप लोन के लिए ज्यादा ही परेशान हो चुके हैं और आपको कहीं से जो कि लोन नहीं मिल पा रहा है तो आप कैसे जो कि घर बैठे अपने मोबाइल फोन से जो कि इंस्टेंट लोन ले सकते हैं। तो दोस्तों इस एप्लीकेशन के अंदर जो है आपको इजी जो है 3 स्टेप के अंदर जो कि लोन मिल जाएगा। आप ज़्यादा ही परेशान हो चुके हैं तो अब आपको होने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है बस इस एप्लीकेशन के अंदर जो कि अप्लाई कीजिए और यहाँ पर जो कि आपको इंस्टेंट लोन मिल जाएगा। दोस्तों इस एप्लीकेशन के अंदर जो है आपको 2 लाख तक का लोन जो कि यहां पर मिल जाएगा। आपका जैसा सिविल स्कोर होगा उस हिसाब से आपको यहां पर जो कि लोन अमाउंट मिल जाएंगे। तो इसके अंदर जो है अप्लाई करने का प्रोसेस भी ज़्यादा लंबा नहीं है, बस सिंपल 3 स्टेप में जो है यहां पर आपको अप्लाई करना है और आपका जो है लोन यहाँ पर सक्सेस हो जाएगा और आपको जो है लोन अमाउंट मिल जाएंगे। तो दोस्तों अगर आप भी जो है इस एप्लीकेशन से लोन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। तो चलिए बिना तरीके वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन चैनल पर नए आए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ में बाजू वाले बेल आइकन को भी दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिएगा। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस एप्लीकेशन का नाम है जो कि फ्लेक्स सैलरी इंस्टेंट लोन ऐप है। इसको जो है आपको इंस्टॉल कर लेना है प्ले स्टोर के ऊपर। जो है यह एप्लीकेशन आपको देखने को मिल जाएगा, फ्लेक्स सैलरी लिख करके जो है आप सर्च करेंगे तो आपके सामने जो है इस एप्लीकेशन का इंटरफेस जो कि कुछ इस तरीके से है देखने को मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है गाइस, यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ से इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो मेरा यहाँ पर जो कि इंस्टॉल हो गया है, चलिए ओपन का ऑप्शन हम इस पर क्लिक करते हैं। तो क्लिक करने के बाद जो है आपके सामने जो कि कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर लोन अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर लोन अप्लाई लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। अगर आप इसके अंदर ऑलरेडी लोन ले चुके हैं तो यहाँ नीचे लॉगिन का ऑप्शन है, बस इसमें आप लॉगिन कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर जो कि फर्स्ट टाइम जो है अप्लाई करके दिखाऊंगा। तो यहाँ अप्लाई नाउ का ऑप्शन है, बस इस पर हम क्लिक करते हैं। तो क्लिक करने के बाद जो है गाइज अब आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस जो कि ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे ऊपर जो कि आपको अपना फर्स्ट नेम डालना है, जो नाम पैन कार्ड के ऊपर है वही नाम यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम डालना है। उसके नीचे यहाँ पर आपको लास्ट नाम डालना है, जो पैन कार्ड के ऊपर है वही लास्ट नाम जो है यहाँ पर आपको फिल करना है। नीचे एक ईमेल आईडी जो कि आपको डालना है, उसके नीचे यहाँ पर एक पासवर्ड जो कि आपको सेट कर लेना है अपने हिसाब से, कोई भी पासवर्ड जो कि यहाँ पर आप सेट कर लेंगे। उसके नीचे यहाँ पर आपको अपना पैन नंबर डालना है, जो आपका पैन नंबर है वही पैन नंबर यहाँ पर आप डालेंगे। और उसके नीचे यहाँ पर एक मोबाइल नंबर जो कि आपको फिल करना है। और उसके बाद जो है इस बॉक्स में आपको चेक मार्क कर लेना है। करने के बाद जो है गाइस नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन है, बस इस पर आप क्लिक कर देंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर अपना सारा डिटेल जो कि फिल कर लिया हूँ, नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन है, चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। तो क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पर NOTP इज सेंट योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर पर जो कि एक OTP आएगा, उस OTP को जो है आपको इस बॉक्स में डालना है। और उसके बाद कंफर्म का ऑप्शन है, बस इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए मेरा OTP जो कि आ गया है, चलिए हम डाल दिए हैं यहाँ कंफर्म पर क्लिक करते हैं। तो क्लिक करने के बाद जो है अब आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस जो कि ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर अब आपको अपना सारा डिटेल जो कि फिल करना है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं कि इसके अंदर कैसे जो है आप अपना डिटेल जो कि फिल करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर रेसिडेंस टाइप में जो है आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है कि आपका घर जो कि खुद का है या फिर रेंट पर रहते हैं, वो यहाँ से जो है आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो ज़्यादातर लोग जो है अपने खुद के घर में ही रहते हैं, तो यहाँ पर चलिए हम ऑनेट पर ही सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद जो है गाइस यहाँ पर आपको अपना हाउस नंबर डालना है, जो भी आपका हाउस नंबर है वो यहाँ डालना है। यहाँ पर कॉलोनी, अगर कॉलोनी का कुछ नाम है तो यहाँ डाल देंगे। लैंडमार्क में जो है अपना वार्ड नंबर डालेंगे। नीचे यहाँ पर आपको अपना पिन कोड डालना है। उसके बाद नीचे यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ सिटी सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है, यहाँ से जेंडर में मेल है या फीमेल है वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो है नीचे यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है कि आप जो है यहाँ पर सैलराइड है या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड है, जो है यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो नीचे यहाँ पर जो है आपको डेसिग्नेशन डालना है यहाँ, और उसके नीचे यहाँ पर ओवरऑल एक्सपीरियंस आपको डालना है। नेम ऑफ द कंपनी नेम यहाँ पर आपको फिल करना है। यहाँ ऑफिस का अगर फोन नंबर है तो वो यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, अगर कोई दूसरा फोन नंबर है तो यहाँ दे देंगे। वर्क ईमेल आईडी जो है यहाँ पर आपको फिल करना है। नीचे पिन कोड फिल करना है। उसके नीचे यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, जहाँ कंपनी है वहीं का, जहाँ दुकान है आपका शॉप है वहीं का स्टेट यहाँ सेलेक्ट करेंगे। नीचे यहाँ आपको सिटी सेलेक्ट कर लेना है, वहाँ पर एड्रेस 1 में आपको एड्रेस फिल कर लेना है, 2 में भी एड्रेस फिल कर लेना है। नीचे सेलेक्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, यहाँ पर अपना डेट जो कि सिलेक्ट कर लेंगे। उसके नीचे
उसके नीचे आता है तो यहाँ पर ग्रॉस इनकम आपको फिल कर लेना है, नेट इनकम यहाँ पर आप फिल कर लेंगे। उसके बाद जो है गाइस यहाँ पर आपको अपना आईएफएससी कोड डालना है, नीचे बैंक नेम डालना है, उसके नीचे ब्रांच नेम डालना है, यहाँ अकाउंट नंबर डालना है, नीचे कन्फर्म अकाउंट नंबर डालना है और यहाँ आपको अपना यूपीआई आईडी भी जो कि आप डाल सकते हैं। तो उसके नीचे जो है गाइस यहाँ पर आपको रिलेशनशिप जो कि सिलेक्ट कर लेना है, जिनका भी नाम देना चाहते हैं उनका नाम यहाँ पर फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम जो है यहाँ पर उनका डाल देंगे। और उसके नीचे जो है यहाँ पर आपको आधार नंबर आप यहां पर चाहे तो डाल सकते हैं, यहां ऑप्शनल दिया गया है, उनका आधार नंबर चाहे तो यहां डाल सकते हैं, अन्यथा नहीं भी डाल सकते हैं, यहां पर ऑप्शनल दिया गया है। उसके बाद जो है गाइस नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन है, बस इस पर जो है आप क्लिक कर देंगे और उसके बाद जो है गाइस यहाँ पर नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन है, बस इस पर जो है आप कंटिन्यू कर देंगे। और उसके बाद जो भी आपको लोन अमाउंट मिलेगा, एलिजिबल होंगे वो लोन अमाउंट जो कि आपको शो हो जाएगा, और जो भी आपको अमाउंट मिलेंगे वो इससे जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे वहाँ पर आपको अमाउंट जो कि देखने को मिल जाएगा। उसके बाद जो है आगे का प्रोसेस आप जो कि कंप्लीट कर लेंगे। मैं यहाँ पर जो कि लोन जो है नहीं लूँगा, मुझे अभी फिलहाल ज़रूरत नहीं है, जिसके कारण मैं यहाँ पर जो कि लोन अप्लाई नहीं करूँगा। ऑलरेडी मैं कई एप्लीकेशन से जो कि आप लोगों को लाइव प्रूफ लेकर दिखा चुका हूं, अगर मैं सब एप्लीकेशन के अंदर लेकर ही दिखाऊंगा तो दोस्तों मुझे अभी फिलहाल अमाउंट की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं यहां पर जो कि लोन पूरा लाइव प्रूफ के साथ जो कि आप लोगों को नहीं दिखा पाया हूं। तो इस तरीके से जो है गाइज इस एप्लीकेशन के अंदर जो कि फ्लेक्स सैलरी एप्लीकेशन इसका नाम है, फ्लेक्स सैलरी एप्लीकेशन के अंदर जो कि आसानी से आप लोन ले सकते हैं। इसके अंदर जो है आपको काफ़ी कम इंटरेस्ट भी लगता है और बहुत ही बेस्ट एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन के अंदर जो है आप ज़रूर ट्राई कीजिए, अगर आपको किसी भी एप्लीकेशन के अंदर जो कि लोन नहीं मिला है तो आप यहां से जो है निश्चित होकर के यहां से अप्लाई कीजिए, आपको 110% जो कि लोन अमाउंट मिल जाएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद है कि सारा प्रोसेस कम्प्लीट समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।